हे गाइस, इस कृष्णा और आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेल ज़ियोन वर्सेस इंटेल कोर आई सीरीज। इनके बीच में आपको मैं कंपैरिजन देने वाला हूँ और इंटेल कोर आई सीरीज से मेरा मतलब है i5, i7, i9, यानी इंटेल कोर i5, i7, i9 अच्छे हैं या फिर इंटेल ज़ियोन ज़्यादा बढ़िया है। किस में अच्छी गेमिंग होगी, किस में अच्छी वीडियो एडिटिंग होगी, किस में आप अच्छी तरीके से कोडिंग कर पाओगे, तो आपको हर एस्पेक्ट के आज मैं बताने वाला हूँ किसके लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है और आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपके मन में वाला डाउट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फटाफट से इस वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना मेरे से, ये क्वेश्चन काफ़ी गलत है। पहली बात तो, क्योंकि आप कार का कंपैरिजन बाइक के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें और दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए बनी हुई है। तो वैसे ही आप इंटेल ज़ियोन का कंपैरिजन इंटेल कोर आई सीरीज़ यानी i5, i7, i9 से नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग एस्पेक्ट के लिए बने हुए हैं और दोनों अलग अलग काम आते हैं। पर फिर भी आपने बोला कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड सबसे बड़ी बात, एक एक करके बात करेंगे, गेमिंग की बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे वीडियो एडिटिंग की और फिर बात करेंगे कोडिंग की। सबसे पहले बात करते हैं गेमिंग की। गेमिंग की बात करें तो गेमिंग के लिए सबसे पहले नीड क्या होती है, गेमिंग के लिए हमें एक ऐसा प्रोसेसर चाहिए जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ कोर भले से कम हो पर जो क्लॉक स्पीड है वो ज्यादा होनी चाहिए, यानी जो गीगाहर्ट्ज़ होते हैं ना। आपने माय कंप्यूटर कभी खोला हो कि प्रॉपर्टीज में गए हो कभी, तो वहां पर आपको एक प्रोसेसर दिखता होगा, उस प्रोसेसर के जो गीगाहर्ट्ज़ होते हैं वो जितने ज्यादा होंगे ना उतने आपकी गेमिंग अच्छी होगी। तो आपको एक ऐसा प्रोसेसर चाहिए जिसके अंदर नंबर ऑफ कोर भले से कम हो पर नंबर ऑफ गीगाहर्ट्ज़ यानी क्लॉक स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम बात करें इंटेल ज़ियोन की, तो इंटेल ज़ियोन में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वहां पर नंबर ऑफ कोर ज्यादा देखने को मिलते हैं पर जो क्लॉक स्पीड होती है वो कम देखने को मिलती है, इसलिए वो गेमिंग के लिए आइडियल नहीं है। अगर आपको गेमिंग करनी है तो आपके लिए जो आइडियल सीपीयू होगा वो होगा आपकी इंटेल कोर आई सीरीज, क्योंकि उसके अंदर आपको जो क्लॉक स्पीड है वो ज्यादा देखने को मिलती है, नंबर ऑफ कोर्स भी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं जो कि गेमिंग के लिए एक सही है। तो अगर आप गेमिंग के लिए एक पीसी बिल्ड कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको इंटेल कोर आई सीरीज के साथ जाना चाहिए, यानी i5, i7, i9 के साथ जाना चाहिए। सेकंड बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की, कि वीडियो एडिटिंग किस में अच्छी होगी। दोस्तों, वीडियो एडिटिंग का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल अलग है। अगर हम प्रोसेसर देख रहे हैं कि सीपीयू देख रहे हैं कौन सा सीपीयू बेस्ट रहेगा वीडियो एडिटिंग के लिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको एक ऐसा सीपीयू चाहिए जिसके अंदर क्लॉक स्पीड भले से कम हो पर नंबर ऑफ कोर्स ज्यादा हो, तो वो सही होता है। तो इस चीज़ के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए जो आइडियल सीपीयू होगा वो होगा आपका इंटेल ज़ियोन, क्योंकि उसके अंदर आपको क्लॉक स्पीड कम देखने को मिलती है पर नंबर ऑफ कोर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एडोबी प्रीमियर प्रो, एडोबी आफ्टर इफेक्ट जैसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना वो काफ़ी हैवी टास्क करते हैं, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ कोर्स ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए जो आइडियल है वो आपका ज़ियोन है। अब ये मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके इंटेल कोर i9 या फिर i7 में आप वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाओगे, उसमें भी काफ़ी अच्छी वीडियो एडिटिंग कर लोगे, पर आप दोनों के बीच में कंपैरिजन करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपका ज़ियोन जीतेगा। इसलिए ज़ियोन प्रोसेसर वीडियो एडिटिंग के लिए अच्छे हैं, गेमिंग के लिए अच्छे नहीं है। अब लास्ट बात करते हैं कोडिंग की, कि कोडिंग के लिए कौन सा सीपीयू अच्छा रहेगा जो कि मैं बाय करूं, ज़ियोन के साथ जाऊं या फिर इंटेल कोर आई सीरीज के साथ जाऊं। दोस्तों देखो, कोडिंग कोई बड़ा ज़्यादा हैवी काम नहीं होता है। कोडिंग तो आप इंटेल कोर i3 यानी इंटेल कोर 2 डुओ के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि याले प्रोसेसर आराम से कोडिंग को झेल लेते हैं। कोडिंग करना कोई इतना हैवी टास्क नहीं है। अगर आप वर्चुअलाइजेशन कर रहे हो, वर्चुअल बॉक्स चला रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपके लिए जो बेस्ट प्रोसेसर रहेगा ना वो रहेगा कोर आई फाइव सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। अगर आपको कोडिंग के लिए कोई आप लैपटॉप खरीद रहे हो या फिर आप पीसीयू बिल्ड कर रहे हो ना, तो कोर i5 सबसे बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि कोर i5 आपके सारे काम हैंडल कर लेगा। और कोर i5 सबसे बेस्ट है अगर कोडिंग के लिए आप जान रहे हो, आपको ज़ियोन वियोन के लिए नहीं जाना है क्योंकि वो ज़्यादा हैवी टास्क इतने नहीं कर रहे हो आप, तो कोडिंग के लिए सबसे बेस्ट जो मुझे प्रोसेसर लगता है वो है इंटेल कोर i5, या फिर आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करके इंटेल कोर i7 के साथ जा सकते हो, उससे ज़्यादा आपको कोडिंग के लिए ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, तीनों एस्पेक्ट मैंने बात कर ली। अब थोड़ा इंटेल ज़ियोन के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। इंटेल ज़ियोन एक सर्वर सीपीयू होता है दोस्तों, वो आपके नॉर्मल कामों के लिए नहीं बना हुआ है, वो सर्वर सीपीयू है। मतलब जो बड़े बड़े वर्क स्टेशन होते हैं, जैसे कि आप इंटरनेट चलता है आपका, तो इंटरनेट चलता है सर्वर की वजह से। तो सर्वर में जो कंप्यूटर लगा होता है ना या फिर जो वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लगी होती है, उसमें जो सीपीयू यूज़ होता है ना वो आपका याले सीपीयू यूज़ होता है, यानी इंटेल ज़ियोन यूज़ होता है, एएमडी का थ्रेडरिपर आता है, तो वो यूज़ होते हैं। ये एक सर्वर सीपीयू होते हैं जो कि वर्क स्टेशन में काम आते हैं। सेकंड चीज़, ये ज़्यादा पावर कंजप्ट करते हैं, यानी आप पावर ज़्यादा इनको देने पड़ेगी। इनकी जो TDP होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा पावर कंजप्शन करती है। सेकंड चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी हीट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जल्दी ये हॉट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोर ज़्यादा होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी टास्क करते हैं, इसलिए काफ़ी जल्दी ये हीट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको अच्छा कूलिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, आपको वाटर कूलिंग या फिर एयर कूलर यूज़ करना पड़ता है जिससे कि ये कूल रहे और अपना काम कर सके। तो ज़ियोन को यूज़ करना सिर्फ वर्क स्टेशन के लिए सही रहता है, वो आप यूज़ मत करो उसको। एक इंडिविजुअल पर्सन आप कर रहे हो यूज़, तो मैं आपको बोलूँगा कि ज़ियोन आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल पर्सन के लिए एक i सीरीज़ जो होती है i5, i7, i9 वो
यूज करनी चाहिए या फिर आप राइजिंग के साथ जा सकते हो एएमडी में, क्योंकि इंटेल ज़ियोन बहुत ज्यादा हैवी टास्क करने के लिए बना होता है। वो एक सर्वर सीपीयू है, उसका एस्पेक्ट अलग है और जो आई सीरीज का एस्पेक्ट अलग है। तो फिर भी आपको मैंने एक एक चीज बता दी है कि कौन सी चीज किस चीज में अच्छी चलेगी और आपको बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।